प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र जीत सिंह ने, बड़ा अपडेट है आपका, आपको जो इस वक्त दे रहे हैं। राविंद्र जीत ने पीएम मोदी से नू घटना की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र जीत ने पीएम मोदी से मुलाकात करके नू में हुई हिंसा की जानकारी दी। बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात की खबर केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के, हमारे साथी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजा, केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके नू में हुए हालात की उन्हें जानकारी दी, तफसील से बताइए कब हुई ये मुलाकात, क्या क्या चर्चाएं हुई? बिल्कुल, देखिए आज सुबह ये मुलाकात हुई है, काफी अहम मुलाकात है क्योंकि जिस तरीके से नू में हिंसा हुई उसको लेकर जो केंद्रीय राज्य मंत्री है राविंद्र जीत, जो कि सांसद भी है गुरुग्राम से, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है और पूरे मामले को लेकर, पूरी घटना को लेकर बारीकी से पीएम मोदी को जानकारी दी है। क्योंकि जिस तरीके से नू में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद तनाव का माहौल, चाहे नू की बात करें या फिर आसपास के इलाके, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद, पलवल, जो कि धारा 144 कहीं ना कहीं लगाई हुई, तो उन सभी मामले को लेकर, उन सभी पहलू को लेकर पीएम मोदी से पूरी तरीके से जो जानकारी है वो साझा की है। और जो जानकारी है कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार जिस तरीके से काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और जो भी संभव मदद की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आई थी, ये अपने दर्शकों तक हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भिजवा देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी डिटेल है राविंद्र जीत को कहीं ना कहीं पीएम मोदी को देते हुए नजर आ रहे थे। एक बड़ी मुलाकात हम इसको कहीं ना कहीं कहेंगे। जी, जाहिर है नू में जो कुछ हुआ वो तमाम सूरत हाल सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई राविंद्र जीत के जरिए। राजा, आगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन हालांकि बहुत सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन उधर आला कमान की तरफ से कोई बातचीत की गई हो, कोई प्रतिक्रिया दी गई हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात करें, बीजेपी हाईकमान इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, मीरपुर मामले को लेकर पहले ही विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उन्होंने कहीं ना कहीं नू मामले को लेकर नोटिस जारी किया है, यानी कि वो चाहते हैं कि नू मामले को लेकर भी सदन में चर्चा हो, तो विपक्ष दोबारा से एक बार से लामबंद ना हो, उसको लेकर लगातार जो बीजेपी हाईकमान है काफी गंभीर है, उसी कड़ी में इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। जी, बेहद शुक्रिया राजा आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और नू हिंसा की जानकारी दी। उन्होंने तफसील से नू हिंसा के बारे में बताया केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। कल देर शाम केंद्रीय राज्य मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र ने अमित शाह को नू की घटना की जानकारी दी। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई और इस बीच बड़ा अपडेट यह कि केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कल देर शाम मुलाकात की थी और नू मामले पर तमाम हालात की जानकारी दी गई राविंद्र सिंह की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री को। कल देर शाम ये मीटिंग हुई थी राविंद्र सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच। ये बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान नू हिंसा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राविंद्र जीत ने तमाम जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से साझा की। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप इसी वक्त की। कल देर शाम ये मुलाकात हुई केंद्रीय राज्य मंत्री राविंद्र जीत सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उन्होंने नू हालात को लेकर तमाम जानकारी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को।